हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किम कहियंग ने अपने खुद के ही क्रॉस वॉक परफॉर्मेंस पे एक बहुत ही ज़्यादा एपिक रिएक्शन दिया है। एंड वो रिएक्शन क्या है आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। एंड साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाली हूँ कि वी को ना आइडेंटिटी इशू है, ओके। एंड वो इशू क्यों है एंड ऐसा मैंने क्यों बोला है, सो इसको जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। बट गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से बोलना चाहूंगी कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे तो वह सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ओके। एंड आप हमारे सेकेंड चैनल बीटीएस हिंदी पे भी विजिट करके देख सकते हैं। सो गाइस, आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि बीटीएस ने जो परफॉर्मेंस किए थे एलए में, है ना, एलए कॉन्सर्ट हुआ था जब बीटीएस का, तो जितने भी बीटीएस मेंबर्स थे ना, वो सभी जेम्स कॉर्डन के शो में भी गए थे, जिस शो का नाम है लेट लेट शो, ओके। एंड गाइस, इतना ही नहीं, बीटीएस मेंबर्स उस शो में जाने के बाद सबसे पहले जो नामजून है, उन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा था जेम्स से कि उन्होंने आर्मीज के बारे में ऐसा क्यों बोला था कि वो लाइक 15 इयर्स गर्ल्स हैं, है ना। तो जेम्स कॉर्डन ने उस सभी चीज़ों को वहाँ पे क्लियरिफाई किया। एंड इतना ही नहीं, जेम्स कॉर्डन ने वहाँ पे माफ़ी भी मांगी एंड जितनी भी चीज़ें थी वो सब क्लियर हो गया। लेकिन गाइस, हाल ही में आपने देखा होगा कि जेम्स कॉर्डन ने बीटीएस का जो कॉन्सर्ट हुआ था ना एलए में, यू नो, क्रॉस वॉक कॉन्सर्ट, उस वीडियो के बिहाइंड द सीन को पोस्ट किया है। एंड आपने देखा होगा कि वी ने भी इंस्टाग्राम पे उस पोस्ट को अपडेट किया है। सो गाइस, आप देख सकते हो उस पोस्ट में जब जेम्स कॉर्डन बताते हैं बीटीएस को कि आप बहुत ही यू नो वर्ल्ड वाइड सेंसेशन हो, आज हम बीटीएस के साथ है, लाइक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट देते बीटीएस को। एंड फाइनली वो बीटीएस मेंबर्स को बताते हैं उनका मेन्यू कि वो कहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं, है ना। तो आपने देखा होगा वहाँ पे कि जब वो बताते हैं सामने में दिखा के कि आप लोग यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हो, है ना, एंड वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यू नो ट्रैफिक होते हैं, कुछ कार्स होते हैं, जिसको देखने के बाद वी का जो रिएक्शन होता है, दैट वॉज लाइक OMG। वी आते हैं जेम्स के पास एंड वी उनको बोलते हैं कि जेम्स, आर यू श्योर कि हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं, कोई मेन्यू नहीं है, ऐसा करके वी उनसे पूछते हैं। गाइस प्लीज, मुझे आप अपने रिएक्शन कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने जब इंस्टा पे वी का वो रिएक्शन देखा था तो आपका क्या रिएक्शन था। मुझसे आप पूछोगे देन मैं तो यही बोलूँगी, मुझे आई वॉज सो मच लाफिंग, मुझे ना बहुत ही ज़्यादा हंसी आई, पता नहीं क्यों, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आई। कि आप मुझे ना अपना रिएक्शन बताओ, ओके। सो यस, ये था वी का रिएक्शन, उन्होंने अचानक से देखा एंड जब मेन्यू देखा ना वी ने, मेन्यू देखा जहाँ पे परफॉर्म करने वाले, देन वी वॉज शॉक्ड, वो एकदम चौंक गए थे कि वो यहाँ पे परफॉर्म करने वाले। एंड आपने देखा भी होगा परफॉर्मेंस के बाद ही कैसे बिजनेस मेंबर्स भाग के अपने प्लेस पे वापस आए थे, है ना। सो इस बीच में वी कई दो बार स्लिप भी हुए थे वी, है ना। सो यस, यही सब था, ओके। सो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि वी को आइडेंटिटी इशू है, आइडेंटिटी प्रॉब्लम, है ना। तो मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि ना वी ना अपने इंस्टाग्राम के यूज़र नेम को आए दिन जैसे ऑनलाइन आते चेंज कर देते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो बीटीएस के वी किम तेयोंग का यूज़र नेम था इंस्टाग्राम पे, वो था ऑब्वियसली वी का जो यूजर नेम है ना वो है THV, मीन्स तहियोंग वी, ओके। लेकिन इंस्टाग्राम पे जो उनका नाम था वो स्टार्टिंग में था वी ऑफ बीटीएस, एंड जितने भी बीटीएस मेंबर्स हैं ना उनका सेम ऐसे ही है, जे होप ऑफ बीटीएस, सभी का सेम है। फिर जैसे ही वो कुछ दिन बाद ऑनलाइन आए वी इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने अपना नाम चेंज किया एंड ना उन्होंने कोरियन लैंग्वेज में अपने इंस्टा के नाम को अपडेट किए, है ना। तो वो जो उन्होंने अपडेट किया था वो भी वी था, लेकिन वो कोरियन लैंग्वेज में था। एंड आपने अगर नोटिस किया होगा तो कल ही वी ने अपने इंस्टा के नेम को फिर से चेंज किए, अब उनका जो इंस्टा का नाम है ना वो ओनली वी है, है ना। तो जैसे ही 5 मिनट बाद वी ऑनलाइन आते हैं, वो अपने इंस्टा के नाम को चेंज कर देते हैं एंड ही वॉज लाइक कि मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो कि 5 मिनट पहले था। एंड आई एम लाइक वाओ,
वी 5-5 मिनट में चेंज हो जाते हैं, लाइक वी ना वो पर्सन नहीं होते हैं जो कि वो 5 मिनट पहले थे, वो अपने नाम को चेंज कर देते हैं 5-5 मिनट में। एंड आपने देखा होगा कल की ही बात है, कल वी ने एक स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे एंड 5 मिनट के बाद उन्होंने ना वो स्टोरी भी डिलीट कर दी। ही वॉज लाइक बेबी आई एम वी, यू नो। सो यस, सो गाइज सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या आपने इस चीज़ को नोटिस किए हो कि वी ने 3 बार अपने इंस्टा के नाम को चेंज किए हैं। सो सबसे पहला था यू नो वी ऑफ BTS, ओके, एंड सेकंड था कोरियन लैंग्वेज में भी, एंड जो अब थर्ड है वो है वी, ओनली वी। सो आपने अगर इस चीज़ को नोटिस किया है सो ऑब्वियसली मैं जानना चाहती हूँ कि आप कितना नोटिस करते हो BTS मेंबर्स को, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Bye-bye, take care.